हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर लिविंग वर्ड। ठीक, तो लिविंग वर्ड के बारे में जानने से पहले हमें लिविंग को समझना होगा कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, लिविंग का सीधा सा मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो लिविंग को जीवित कहते हैं या ठीक है सजीव कहते हैं। ठीक है, तो सजीव क्या है या जीवन क्या है, कह सकते हैं व्हाट इज लाइफ। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल टर्म की बात करें तो आज तक एक डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज लाइफ, बट लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई बाय द करेक्टर। ठीक है, जीवन क्या है ये तो ठोस एविडेंस के आधार पर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन जीवन क्या है इसे कुछ करेक्टर के आधार से पहचाना जरूर जा सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की अगर बात करें, छठी क्लास की बात करें, तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग बहुत सारे डिफरेंसेस पड़े थे। ठीक है, तो मैं पढ़ाया जा रहा था कि लिविंग के करेक्टर क्या होते हैं, नॉन लिविंग के करेक्टर क्या होते हैं। ठीक, तो आज उन्हीं करेक्टर्स को हम एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा एडवांस वे में। ठीक है, कि लिविंग क्या है, ठीक है, और ये नॉन लिविंग से किस प्रकार से डिफर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की। करेक्टर्स ऑफ लिविंग की करेक्टर्स की बात करें तो छोटी क्लास में जो हमने करेक्टर पढ़े थे उसमें पहला करेक्टर था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि लिविंग कैन ग्रो बट नॉन लिविंग कैन नॉट ग्रो। ठीक है, उसी फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर, तो पहला करेक्टर है वो है हमारा क्या, ग्रोथ का। ठीक है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को अगर समझने की कोशिश करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ग्रोथ का सीधा सा मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसकी संख्या में या उसके मास में अगर वृद्धि हो रही है, देन इट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, मीन्स ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, या तो नंबर बढ़ जाए उसके और इंक्रीज इन मास। ठीक है, या मास बढ़े। ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्रोथ, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से कहा गया कि ये जो करेक्टर है ग्रोथ, ये लिविंग का करेक्टरिस्टिक फीचर है। मीन्स दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ को करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का क्या होता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, नंबर भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा एडवांस लेवल में और कहें ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती है, तो ये कहना गलत होगा। इट मीन्स लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रोथ तो है, बट ग्रोथ केवल लिविंग का ही फीचर है, ये कहना सही नहीं होगा। इसके पीछे कारण हम बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन की बात करते हैं। ठीक है, माउंटेन हिमालय पर्वत। ठीक है, पहले कभी वहां सागर हुआ करता था। ठीक है, लेट जैसे जैसे टकरा रही है तो उनके बीच में जो भी, ठीक है, मलबा भरा हुआ है, टकराने का है, वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी वो ऊपर उठती चली जा रही है। ठीक है, और हिमालय पड़ता चला जा रहा है। और साइंस आज भी कहते हैं हिमालय कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इट मीन हिमालय की आर्मी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, लंबाई बढ़ रही है। क्या हिमालय लिविंग है, नॉन लिविंग में रखा गया है, इसमें हिमालय भी ग्रो कर रहा है, इसमें नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पॉसिबल है। दूसरे एग्जाम्पल आप सोच के देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक जगह मैंने 1 kg मिट्टी, ठीक है, को ला के डाल दिया, फिर उसी जगह मैंने 2 kg मिट्टी ला के डाल दी, फिर 5 kg, फिर 5 kg ला के डाल दिया, तो धीरे धीरे वो मिट्टी का ढेर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स उससे साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी ग्रोथ तो उसमें भी हो रही है, ढेर बढ़ता चला जा रहा है लोगों। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ग्रोथ तो वहां भी हो रही है, ऐसी बात है। ठीक है, और समझने की कोशिश करें, इसी नंबर की बात करें। ठीक है, मान लीजिए किसी रूम में एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, 2 lakh और डाल दी गई, फिर 2 lakh और डाल दी गई, इट मीन 1 से 5 हो गई, इट मीन नंबर बढ़े तो ग्रोथ तो वहां पर गई। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ ऑनली करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग, ओनली लिविंग,
करैक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो सकता, ये नॉन लिविंग में भी हो सकती है। ठीक है, देन बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसमें ग्रोथ आपको पता चल गया है, लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, एफडी बढ़ रहा है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, और नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर सकती है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ हो रही है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रोथ। तो लिविंग और नॉन लिविंग में होने वाली ग्रोथ में अंतर क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर ग्रोथ जो है वो दो प्रकार की हमने पढ़ने को मिलती है। ठीक है, एक होती है हमारी क्या इंट्रेंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है हमारी एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है? इनका मतलब समझेंगे, इनका मतलब होता है इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब यहां पर क्या है आउटसाइड से है। इट मीन्स जो ग्रोथ बॉडी के अंदर से होती है, ठीक है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। अगर किसी बॉडी कोई सब्सटेंस के अंदर से ग्रोथ होती है तो इंट्रेंसिक ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, और वही यदि कोई ग्रोथ एक्स मतलब बाहर, ठीक है, बाहर से होती है, ठीक है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ अगर बाहर से हो रही है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, अगर ग्रोथ बॉडी के बाहर से हो रही है तो क्या कहलाती है एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाती है। आप इसे जरा समझते हैं, मैंने कहा कि हमारी बॉडी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ठीक है, तो बचपन से आज तक इतने बड़े हुए क्या कोई भी चीज बाहर से हमारी बॉडी में लगी? नहीं लगी। ठीक है, हमारी सेल्स ग्रो हुई, हमारी बोन्स ग्रो हुई, मसल्स ग्रो हुई, इसमें जो कुछ भी बढ़ा वो बॉडी के अंदर से बढ़ा। ठीक है, इट मीन्स ये वाली जो ग्रोथ है इंट्रेंसिक ग्रोथ वो किसमें संभव है? वो लिविंग में होती है। ठीक है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ की बात करें ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, अब मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा मिट्टी के लाके डाला, ठीक है, चेयर को लाके डाला रूम, ठीक है, तो बाहर से लाके डाल रहा है ना, इट मीन्स ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ कहाँ से हो रही है? बाहर से हो रही है। ठीक है, अगर ग्रोथ बाहर से है तो मीन्स इस प्रकार की जो ग्रोथ है वो किसमें देखने को मिलेगी? नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंट्रेंसिक ग्रोथ इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गम है उनमें जो भी ग्रोथ होगी वो कौन से प्रकार की होगी? इंट्रेंसिक ग्रोथ होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नॉन लिविंग ग्रोथ जो कौन सी होगी? एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होगी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बाद जो पूर्व हम बात करने वाले हैं वो है जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है वो इंट्रेंसिक ग्रोथ प्लांट में भी शो होती है और एनिमल में भी होती है। मीन्स इंट्रेंसिक ग्रोथ दोनों में संभव है, लिविंग में भी, लिविंग में सॉरी इंट्रेंसिक ग्रोथ लिविंग में तो है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। देन प्लांट और एनिमल में होने वाले ग्रोथ में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो ग्रोथ है जो इसमें देखने को मिल रही है इसमें इंट्रेंसिक ग्रोथ लिविंग में, ठीक है, और तो दोनों में अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ अलग होगी, ठीक, और एनिमल में ग्रोथ अलग होती है। ठीक है, कैसे? प्लांट की बात करें तो पूरे जीवन भर बढ़ते रहते ग्रोथ करते पूरे थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करेंगे। ठीक है, मीन्स उन्हें देखा होगा आपने कोई भी पौधा वगैरह कोई भी पेड़ होगा उन्हें पूरे जीवन भर जब तक रहेंगे उसमें देखो फल फूल पत्तियां वगैरह टहनी वगैरह निकलती रहती है। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ होगी वो थ्रू आउट द लाइफ जीवन भर होती है उनमें ग्रोथ। ठीक है, और इसका मतलब ये ग्रोथ कैसी होगी? अनलिमिटेड, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, अनलिमिटेड या नॉन
डिटरमिनेंट। ठीक है, मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, फिक्स नहीं किया जा सकता, इसमें होगी ग्रोथ होगी। ठीक है, जबकि एनिमल में जो ग्रोथ होगी, ठीक है, वो एक साइटिक पीरियड होती टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ रहेगी, और जब ये ग्रोथ साइटिक टाइम पीरियड तक रहेगी, इसका मतलब ये फिक्स है, निर्धारित है, इसका मतलब हमें से लिमिटेड या डिटरमिनेंट ग्रोथ कह सकते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ के बारे में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, मूवमेंट की। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? मूवमेंट। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजिशन, मतलब अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस हो रही है, ठीक है, या उसमें थोड़ा सा इमोशन हो रही है, ठीक है, तो क्या कहलाती है हमारी? मूवमेंट कहलाती है। जैसे प्लांट में देखा होगा पत्तियां टहनियां ऐसी रहती हैं, या एनिमल एक जगह दूसरी जगह पुश करते हैं, ये क्या है? ये तो मूवमेंट है। तो इसी आधार पर मैंने जो है छोटी क्लास में पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, सारी लिविंग थिंग्स क्या करती है? मूवमेंट शो करती है। और लिविंग थिंग्स कैन शो मूवमेंट, सारी सारी लिविंग थिंग्स क्या करती है? मूवमेंट शो करती है। ठीक है, ठीक। तो अब बात करें, क्या दुनिया की सारी लिविंग थिंग्स ही मूवमेंट करती है? ठीक है, या क्या जो मूवमेंट है वो केवल और केवल लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, तो सर्च करने पता चलता है कि केवल लिविंग थिंग्स ही मूव नहीं करती, नॉन लिविंग में मूवमेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैर मूवमेंट तो कर रहा है, ठीक है, वाहन जितने भी, चाहे वो साइकिल हुआ, ठीक है, बाइक हुई, कार हुआ, प्लेन हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, कुछ भी हुआ, ये भी तो मूवमेंट तो कर रहा है ना। ठीक है, हमारे एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल, ये भी तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में मूवमेंट पॉसिबल है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, ये कह जरूर कह सकते हैं कि मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, या कह सकते हैं कैरेक्टर ऑफ लिविंग, जिसे लिविंग का भी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता लिविंग में नहीं होता। तो दोनों के मूवमेंट में अंतर क्या हुआ? लिविंग मूवमेंट तो कर रहे हैं और नॉन लिविंग मूवमेंट तो कर रहे हैं, तो दोनों के मूवमेंट में जो अंतर आता है वो एक मूवमेंट में, हाँ दोनों मूवमेंट के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, बिना फोर्स का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, बिना एनर्जी का मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, तो एक मूवमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी, एक मूवमेंट जो हो रहा है उसे कराने के लिए हमें किसी बाहर से फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन की बात करें, पेन इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगी तभी मूव करेगा, वाइस की साइकिल है, हमें अपने पैरों से एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है तब मूव करेंगे। ठीक है, जो हमारी बाइक वगैरह है या कार वगैरह है, वो डीजल या पेट्रोल के रूप में क्या देनी पड़ती है? फ्यूल देना पड़ता है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है किसी बाहर ताकत के कारण, बाहर, ठीक है, किसी बाहरी फोर्स के कारण अगर चीजें मूव हो पा रही हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसे मोमेंट जो देखने मिलते हैं वो नॉन लिविंग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ, हाँ, जो मूवमेंट होगा ड्यू टू इंटरनल फोर्स और एनर्जी, इसका मतलब यहां पर जो है वो बॉडी के अंदर की एनर्जी या फोर्स के कारण मूवमेंट होता है, और किसी बॉडी के अंदर की फोर्स के कारण अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो लिविंग होता है। हम एनर्जी इंटेक नहीं कर रहे, हम फूड इंटेक कर रहे हैं, फूड को तोड़कर ब्रेक कर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी निकाली जा रही है, और वो एनर्जी से हम सारा मूवमेंट शो कर पा रहे हैं। इट मीन्स इस प्रकार का जो मूवमेंट शो होता है वो किस में शो होता है? लिविंग में शो होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते मूवमेंट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक और करेक्टर आता है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है,
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब ही एक बार, ठीक है, री प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ अगेन, अगेन प्रोड्यूस, मतलब हुआ किसी लिविंग इंडिविजुअल के द्वारा, लिविंग ऑर्गन के द्वारा अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन है क्या? प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस एक न्यू यंग वन, ठीक है, टू इट्स ऑन टाइम, टू इट्स ऑन टाइम, इट मीन्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस अगला नहीं है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बात आई सी कि दुनिया के, छोटे लेवल पे ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, नॉन लिविंग को रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक है। मीन्स दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गए, फिर तो एक्सेप्शन आ गए, ठीक है। ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आता है हनी बी के बारे में, लोग सुना होगा, ठीक है, शहद देती है, ठीक है। हनी कॉम्ब जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उसमें जल्दी 3 प्रकार की मधुमक्खियां देखने को मिलती है, ठीक है। क्वीन मतलब रानी मक्खी, वर्कर, ठीक है, काम करने वाली मक्खियां, और मेल हनी बी, ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो मेल हनी बी होती है वो फीमेल हनी बी होती है, ठीक है, समझा इधर, ठीक है। जो हनी भी है उसमें से जो मेल है और फीमेल दो ही प्रकार की मक्खियां होंगी, ठीक है। मेल मक्खी है ये भी फर्टाइल होंगी, ठीक है, फर्टाइल का मतलब एबल टू रिप्रोड्यूस, ये भी रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होंगी। और जो फीमेल होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो क्वीन होगी, ठीक है, और वर्कर होगी, ठीक है। तो क्वीन कैसे होती है, ये भी फर्टाइल होती है, ये भी रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होती है, एबल टू रिप्रोड्यूस, लेकिन जो बरका हनी भी है तो फीमेल है, बट स्टराइल होती है, ठीक है। स्टराइल होती है, ठीक है ना, इट मीन्स अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, डिसेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इट मीन्स, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या आ गया, तुम्हारे वर्कर हनी ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। इनके अलावा जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, न्यूज का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, न्यूज, न्यूज कैसे कहते हैं, ठीक है, न्यूज आपने टंकी देखे होंगे, ठीक है, सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन न्यूज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो हिली एरिया में, पहाड़ी इलाकों में होता है, ठीक है। जो वैष्णो देवी वगैरह जो जाते हैं या अमरनाथ वगैरह, तो देखते होंगे जो गधों से छोटे आकार के जो प्राणी होते हैं उन्हें म्यूज कहते हैं, तो गोजा रोने के सामने आते हैं, ठीक है। तो म्यूज एक्चुअली एक नेचुरल स्पीसीज नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है। म्यूज रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, म्यूज किससे बना, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ऐसे इसे दो अलग अलग स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया, किससे, हॉर्स और डंकी, ठीक है, इन, हाँ फीमेल डंकी और मेल हॉर्स टाइप, ठीक है, या फिर कि फीमेल हॉर्स और मेल डंकी की कॉम्बिनेशन से क्या होना, ठीक है, उनके यहाँ एग और स्पर्म को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराया गया, फिर सरोगेट मदर में या किसी सरोगेट मदर में जो ट्रांसफर करा के इनको प्रोड्यूस कर लिया गया, ठीक, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, न्यूज की जो प्रोग्रामिंग है, मतलब आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, इन न्यूज की आने वाली जो प्रोजेनी है वो क्या नहीं कर पाएंगी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए ये भी एक्सेप्शन हो गया इसमें, ठीक है। इनके अलावा बात करें, हमने अपनी सोसाइटी में देखे होंगे स्ट्राइल कपल, ठीक है, बहुत सारे दंपत्ति ऐसे होते हैं, ठीक है, इनके पूरे जीवन भर संतानें नहीं होती, ठीक है, एक तो वो, और हमारी सोसाइटी में थर्ड जेंडर के रूप में भी देखने को लोग मिल जाते हैं, ठीक
है ना, मेल ना फीमेल, ठीक है, जो थर्ड जेंडर कह देते हैं, वो भी अनेबल टू रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में मतलब थर्ड जेंडर ना रह गया, मतलब इजराइल कपल की कैटेगरी में रखते हैं, उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है, जो अपने जीवन भर किसी भी संतान को जन्म नहीं देते, उन्हें हम स्टराइल कपल कह सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। स्टराइल कपल जो है वो भी एक्सेप्शन है किसका, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इस प्रकार से कहें कि हमने ये जो कैरेक्टर पढ़े, चाहे वो ग्रोथ हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, ये लिविंग में तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते ये सिर्फ लिविंग में है, या ये नहीं कह सकते लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कुछ ऐसे करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते। इट मीन जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, और जिन करेक्टर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो वो करेक्टर प्योरली किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे कैरेक्टर जिनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, परफेक्टली डिफाइन करते हो किसी भी चीज को, ऐसे कैरेक्टर को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की जगह हम एक तो क्या देखते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगली बार ठीक, डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब ही हुआ द कैरेक्टर विच हैव नो एक्सेप्शन, ठीक है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, अपवाद ना हो, मीन्स जो किसी भी चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकता हो बिना किसी गलती के, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं विदाउट एक्सेप्शन कैरेक्टर विद, डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं कैरेक्टर विद, सॉरी, कैरेक्टर विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, जिसमें क्या ना हो, किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन ना हो, क्या कहलाता है वो, डिफाइनिंग कैरेक्टर कहलाता है, क्लियर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। तो उसमें एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक, वो कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतनता या जागरूकता, ठीक है, हाँ, चेतनता जिसे कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू सेंस, महसूस करने की क्षमता, चेंजिंग एनवायरमेंट, हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है, ठीक है, जो भी सराउंडिंग है, उसमें जो भी बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, उन बदलाव को जो महसूस करने की क्षमता रखता है, ठीक है, जो महसूस कर सकता है, कॉन्शियसनेस कहते हैं। मीन्स हमारे एनवायरमेंट कोई बदलाव, ठीक है, सर्दी है, बारिश है, टच है, ठीक है, पेन है, ठीक है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, मतलब कोई भी बदलाव हमारे आसपास हो रहा है जो उसको महसूस करने की क्षमता रखता है, उसे हम कॉन्शियसनेस कह देते हैं, ठीक है। इट मीन्स एबिलिटी टू सेंस, ठीक है, हाँ, एबिलिटी टू सेंस द चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है। तो बदलते हुए वातावरण को जो भी महसूस करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग, ठीक है, कॉन्शियसनेस तो नहीं करता, ठीक है, दीवाने हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास नॉन लिविंग है वो महसूस नहीं कर सकता बदलते हुए एनवायरमेंट को, कि क्या हो रहा है, ठीक है, कब सर्दी है, कब गर्मी है, कब बारिश है, कब खुशी है, कब कब गम है, ये उसे एहसास नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो विदाउट एक्सेप्शन लिविंग में है। इट मीन जब तक कोई भी पर्सन लिविंग है, जीवित है, तब तक उसमें किसी ना किसी प्रकार की कॉन्शियसनेस रहती है, ठीक है। हाँ, कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, बट सेल्फ रेस्पॉन्स देना ये एनिमल की प्रॉपर्टी है। मीन्स प्लांट सेल्फ रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं या सेल्फ रेस्पॉन्सनेस को नहीं करते हैं। सेल्फ रेस्पॉन्सनेस का मतलब, ठीक है, बदलते हुए जो वातावरण है उसको महसूस करने के बाद उसको रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट,
चेंजिंग कंडीशन क्या कहलाता है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी या सेल्फ रेस्पॉन्सिबनेस कहलाती है, क्लियर। और ये सिर्फ एनिमल में ही होता है, प्लांट में नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश हुई, ठीक है, तो हम क्या है, कोई छत ढूंढेंगे, इसमें छत ना वो सेव कर सकते हैं। गर्मी हुई, हम फैन चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उससे हम अपने आप को एडजस्ट कर पाए, ठीक है। सर्दी हुई तो अपने आपको जो है कि गर्म कपड़ों में ढकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, या आग के पास या हीटर के पास अपने आपको बैठाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स कोई भी जानवर सही, कोई भी एनिमल सही, वो कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ रेस्पॉन्सनेस भी इसको करता है, बट प्लांट इतना नहीं कहते। पानी बरसा, ठीक है, हमें पता है पानी बरसा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, किसी छत के नीचे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्शियसनेस में ओनली एनिमल कैन शो सेल्फ रेस्पॉन्स, ठीक है। एनिमल क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी चेंजिंग एनवायरमेंट के प्रति रेस्पॉन्स करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर होगा वो एक और है, ठीक है, डिफाइनिंग करेक्टर्स में, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप कितनी भी क्लासेस में जाएंगे, आप केमिस्ट्री में, बायो, कहीं भी हो, आपको मेटाबॉलिज्म को आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। मेटाबॉलिज्म का सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझे कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मीन हमारी बॉडी में जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, या सेल ग्रोथ के दौरान, कुछ भी हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, टोटल सम ऑफ, ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सारे केमिकल रिएक्शन का टोटल जो सम है, ठीक है, लेकिन कंडीशन लगा दी, विच अकर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है, लेकिन कंडीशन इंपॉर्टेंट, कहां पे होनी चाहिए वो, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन तो लेबोरेटरी में चल रही है, ठीक है, बट वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती, उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो वही रिएक्शन होगी जो बॉडी के अंदर होगी, ठीक है, हाँ, कंडीशन लगा दी इनसाइड द बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑल द टोटल सम ऑफ, हां, टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इनसाइड द बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है मेटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। अब बात आई कि हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, तो हमारी बॉडी में जनरली दो ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब या तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ बन रहा हुआ या कुछ ना कुछ टूट रहा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सब्सटेंस को ये है, एक सब्सटेंस को ये है, ठीक है, मान लिया जैसे ए, इसे मान लीजिए बी, इन दो सब्सटेंस के मिलने के कारण कोई एक सब्सटेंस सी बन गया, मान लीजिए, ठीक है, तो जुड़े एक बन गया, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये टूटा, टूटने के बाद एक से अधिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए ए था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी और सी में, मान लीजिए कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ चीजें बन रही है और यहाँ चीजें टूट रही हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर, ठीक है, दो सब्सटेंस मिलकर किसी नए सब्सटेंस की, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, वो एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में जहां पर कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, टूटकर टूटा यहाँ पे, ठीक है, तो नए सब्सटेंस से दो से अधिक नए सब्सटेंस बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक
है। हाँ याद रखना पहचानने के लिए, ए फॉर एड, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो एड हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये एनाबॉलिज्म हो गई। ठीक है, ये सी हो गया तुम्हारा। ठीक है, सी का मतलब कट। ठीक है, मतलब कैटाबॉलिज्म फूट रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में दो प्रकार की अंग रिएक्शन होती है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा जो डिफाइनिंग फीचर है कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एसआईडी में, मान लीजिए कोई एक पर्सन है और वो रोड एक्सीडेंट का होता है और वो कोमा में पहुंच जाता है। ठीक है, अब बताइए जो पर्सन एक्सीडेंटल पर्सन जो कोमा में पड़ा हुआ है वो डेथ माना जाए या फिर लिविंग माना जाए? डेथ माना जाए, लिविंग माना जाए, लिविंग और नॉन लिविंग क्या माना जाए इसको? ठीक है, तो बात करेंगे अगर कोई पर्सन कोमा में है फिर भी हम उसे लिविंग मानेंगे, तो मुझे कार्ड दिया हमने। ठीक है, जो कोमा में पर्सन है तो उसको कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई सेंस नहीं है, कुछ महसूस नहीं कर सकता, बट उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी। मतलब अगर उसे ड्रिप के द्वारा ग्लूकोज दिया जा रहा है तो उसकी सेल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल भी कर रही होंगी। ठीक है, ऑक्सीजन दी जा रही है अगर उसको, ठीक है, वेंटिलेटरी थ्रू, ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन उसकी सेल्स इस्तेमाल कर रही है एनर्जी निकालने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, इसलिए उस कोमा वाले पर्सन को भी हम लिविंग ही मानते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से ये पांच करेक्टर थे जो हमने पढ़े जो लिविंग में होते हैं, पांच में से तीन डिफाइनिंग जो है करेक्टरिस्टिक फीचर थे और दो हमारे क्या है डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो अब लिविंग से आगे बढ़ के हम लिविंग तो पढ़ लिया हमने, लिविंग करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। ठीक है, अब उस बर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम कि ये लिविंग बर्ड है क्या। ठीक है, किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, किस स्टडी कैसे की जाती है, ठीक है, ये कैसे जो है इतनी बड़ी डायवर्सिटी हम स्टडी कर पाते हैं, इन सब कुछ को हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर से हमको पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर होंगे, उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।